हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। बहुत दिनों के बाद आज फिर से डेली व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को कुछ दिन से ना टाइम नहीं मिल रहा है, एकदम काम के बाद काम, काम के बाद काम, काम के बाद काम। कब व्लॉग शूट करें मौका ही नहीं मिल रहा था व्लॉग शूट करने का, इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहा था दो तीन दिन से। और आप लोगों का तो मैसेज आ रहा है कि आप लोगों का तबीयत कैसा है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो सभी को तो मैंने बता चुकी हूँ कि हम लोग एकदम ठीक है, लेकिन थोड़ा बिजी है इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा है। लेकिन आज फाइनली बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग फाइनली घर पर है, थोड़ा फ्री है, टाइम है, इसीलिए सोचो चलो आज स्टार्ट कर देते हैं डेली व्लॉग। वो भी आज अभी 10 से ज़्यादा बज चुका है, क्योंकि सुबह उठ के मेरा दो योगा क्लास था, तो दो योगा क्लास मैं करवा चुकी हूँ। फिर जाके सुबह का ब्रेकफास्ट भी करना हो गया है, मतलब चाय बिस्किट खा लिया है, घूटू अभी खाना पका रहा है, तो चलो पहले घूटू से मिलाते हैं आप सभी को। देखो मैडम जी का हालत देखो, पूरा दिन मेरे लिए कितना काम करते हैं मैडम जी। फिर भी तुम बोलते हो काम नहीं करते, काम नहीं करते। तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। क्योंकि मैंने इंट्रो नहीं दिया था, बाबा ने खुद अकेले अकेले इंट्रो दिया और मैं घर का काम कर रही थी, और अभी मेरा घर का थोड़ा बहुत काम हो गया और खाना भी मैंने बिठा दिया है, तो अभी खाना खाने वाले हैं, क्योंकि बाबा को भूख लग गया है। सुबह से दो क्लास करवा चुके हैं बाबा, तो अभी हम लोग खाएँगे खाना। लेकिन उससे पहले गुड्डू का डैड का कॉल आ गया है। बोलो। देखो व्लॉग शूट करते करते गुड्डू का पापा का कॉल आ गया है, तो चलो गुड्डू थोड़ा बात कर ले। अभी हो रहा है दोपहर का लंच और यहाँ पे हो रहा है आलू फ्राई, और इधर देखो पापड़ फ्राई करके रखा है, इधर चावल हो गया है, और अभी सिर्फ दाल होने पे मेरा लंच एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज लंच में एकदम सिंपल सा खाना है। इतना ज़्यादा गर्मी है क्या बताएं, बहुत देर से घर में काम हो रहा है, गुड्डू इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि हम लोग दो तीन दिन से इतना ज़्यादा बिजी थे कि घर का बहुत सारा काम पेंडिंग था, इसलिए गुड्डू काम के बाद काम के बाद काम करते ही जा रहे हैं। और बहुत सारे कपड़े धो के बाहर सुखाने के लिए दिया है, और एक बात, सुबह सुबह ही आज एक ब्लेंडर हो गया है, एक कांड हो गया है, लेकिन क्या हुआ है मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग ये सुन लो कि बहुत एकदम एक कांड हो गया है सुबह सुबह, लेकिन अभी वो सॉल्यूशन हो गया है। एक घंटे से हम लोग उसके पीछे काम किए, फिर जाके वो सॉल्यूशन मिला हम लोगों को, तो अभी सब कुछ सही है। मतलब क्या बताएं, घर पे है लेकिन काम पे काम और काम, सब काम करना पड़ रहा है। तो गुड्डू अभी भी काम कर रहा है, घर का काम करते ही जा रहा है, मेरा भी अभी काम है, तो चलो अभी सब काम करके फिर एकदम नहा के फिर मिलते हैं आप सभी से। तो बहुत दिन से बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे हैं चीनी कहाँ पे है, चीनी कहाँ पे है, चीनी को नहीं दिखाई दे रही है, चीनी को नहीं दिखाई दे रही है, तो देखो चीनी यहाँ पे देखो मेरे गोद में एकदम चुपचाप बैठे है ना मम्मा, चुपचाप बैठ के बातें सुन रहे हैं और हम भी इधर बैठे हैं, है ना मम्मा, है ना मम्मा। बहुत दूर देखो 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 देखो, कुछ बात बताना है आप लोगों से, क्योंकि हम लोग देखो अभी तो बिजी शेड्यूल है, क्योंकि हम लोग सुबह जाते हैं, कभी शाम आते हैं, शाम को आते हैं, कभी रात को आते हैं, तो चीनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरा दिन जब वो नहीं देखता है हम लोगों को, तो जब हम लोग लौट के आते हैं बहुत ऐसे करते हैं कि बहुत दिन से नहीं देखा, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहते तो नीचे वाला जो काकीमा है, आंटी है, उसके पास रख के जाते हैं, तो चीनी देखो अभी कितना बड़ा हो गया है, और चीनी को देखो कितना बदमाश भी हो चुका है, देखो चीनी गिरी 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 ऐसा ही करता है चीनी। तो अभी उसका खेलने का टाइम है, तो अभी इस टाइम मैं उसके साथ खेलती हूँ थोड़ा, फिर नहाने के लिए जाती हूँ, मेरा पूरा घर का काम हो गया है, अभी मैं नहाने के लिए जाऊँगी, तो मैंने सोचा चीनी के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। अभी वो मेरे साथ ऐसे खेलेगा और बाबा ऐसे डिस्टर्ब करेगा, ये उसका रूटीन है ना चीनी, चीनी 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 है ना चीनी, देखो 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 ऐसे चलता है चीनी और बाबा का एकदम शरारत, और बीच में मैं पीस जाती हूँ उस दोनों के बीच में, जाओ जाओ। तो चलो अभी बाबा नहाने के लिए जाएगा, फिर मैं जाऊँगी, उसके बाद लंच भी करना है, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखो उसको देखो चीनी, ऐसे नहीं देखो ऐसे सोते हैं, सो रहे, उसको सोने दो। खाना हो गया, लंच हो गया मम्मा का, अभी सोने का टाइम है ना मम्मा, मम्मा का लंच हो गया, अभी हम लोगों का लंच करने का टाइम है, चलो जल्दी।
जो जाओ छुंकू पोता, उसको छोड़ दो, आ जाओ लंच कर लेते पहले। चलो अभी वो सोएगा और हम लोग लंच करेंगे। दोपहर को लंच करने के बाद हम दोनों एकदम सो गए थे और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी हम आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने के लिए आए हैं। तो वो बात क्या है बताओ? वो बात है कि आप लोगों को तो पता ही है कि बाबन का बर्थडे आ रहा है 15 जून, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं करना शुरू स्टार्ट। मुझे बोलने ही नहीं देते, हर बार मेरे बात काटते हैं। नहीं नहीं बताओ, मैंने सोचा तुम्हारा बात खत्म हो गया है फिर जाकर मैंने स्टार्ट किया, तो तुम बात खत्म ही नहीं करते हो कभी बात। क्योंकि मैं अभी अभी नींद से उठी हूँ, मेरा मुंह देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं अभी अभी नींद से उठी हूँ और इतना गर्मी में देखो मेरा हालत एकदम खराब हो चुका है सच में। और जो मैं बात बोल रही थी, बावन का बर्थडे आ रहा है और उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग तैयारी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस बिजी शेड्यूल में थोड़ा थोड़ा करके काम अगर हम लोग नहीं करेंगे अभी तो लास्ट में जाके बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए और कुछ गिफ्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और गिफ्ट का राज तो बाबा नहीं बोलेगा, बोलो तुम बोलो। गिफ्ट का राज बाद में आते हैं, पहले बता देते हैं कि मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस साल मेरा बर्थडे को लेके। और इसमें और एक ट्विस्ट है कि जिस दिन प्राइड है उसके नेक्स्ट दिन ही मेरा बर्थडे है, तो 14 जून को प्राइड, 15 जून को मेरा बर्थडे, मतलब दोनों दिन ही एकदम स्पेशल है। तो दोनों दिन को लेके ही हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड है, पता नहीं कैसे जाने वाला है लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो और एक बात बता देते हैं कि हमारा जो YouTube फैमिली मेम्बर्स है उनमें से 2 फ्रेंड्स हमारे लिए गिफ्ट भेजा है, मेरे बर्थडे में मेरे लिए गिफ्ट भेजा है और मेरे साथ साथ गुड्डू को भी गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट क्या है वो दिखाएंगे सर। उससे पहले बोल देते हैं, तो उस फ्रेंड के साथ हम दोनों का बात हो रहा था व्हाट्सएप पे, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है साड़ी का, तो उसके लिए हम लोग व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर। तो उधर आके दो फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे बात करता है लेकिन उधर मेनली हम लोग बिज़नेस के लिए बात करते हैं। तो वो फ्रेंड बहुत बहुत बार बोला कि कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं, हम लोग तो एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया। रुको मुझे बोलने दो। नहीं नहीं तुम उल्टा बोल रहे हो, मतलब पहले बोल, अच्छा तुम बताओ। नहीं नहीं बोलो, तुम बोलो। अच्छा पहले मैं बता दी हूँ, वो तो गुड्डू जो बोल रहा था कि फ्रेंड्स लोगों ने बोला था कि गिफ्ट भेजना चाहते हैं, गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो हम लोगों ने तो नहीं लेना चाहते थे। लेकिन उससे पहले वो जब पहले बात किया था तो तब बोल रहा था कि हमारा जो ऑनलाइन पे हमारे साड़ी सेल करते हैं तो वो उनको पसंद आया है, तो वो कैसे वो बाई कर सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसलिए डिटेल्स पूछ रहा था। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है कौन सा साड़ी आपको पसंद है बताओ, फिर हम लोगों ने पेमेंट डिटेल्स भेज देंगे, तो उधर पेमेंट करके एड्रेस भेज देना, हम उस एड्रेस पे आपको ये साड़ी भेज देंगे। तो वो क्या किया, बोला ठीक है आपका सब कुछ एकदम फाइनल कर दिया, हम लोग कौन सा साड़ी लेना है क्या लेना है सब कुछ भेज के पेमेंट भी कर दिया। फिर हम लोग जब एड्रेस नहीं भेजा था, तो हम लोग जब एड्रेस पूछ रहा था तभी जाके बोल रहा था, तभी बोल रहा था कि ये साड़ी मैं नहीं लूँगी, ये साड़ी घुटू के लिए है, घुटू के लिए गिफ्ट है, तो ये अगर घुटू पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे बोला था। हम दोनों बोल रहे थे नहीं ऐसे कोई बात नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो ना, यही हमारे लिए बहुत कुछ है, हम लोगों के लिए आप लोगों का प्यार ही बहुत कुछ है, तो आप लोग प्यार करो सपोर्ट करो यही हम लोग चाहते हैं, तो ऐसे गिफ्ट नहीं भेजना ठीक है, प्यार करते हो बहुत सारे यही काफ़ी है और अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार करते हो सच में। लेकिन ऐसे गिफ्ट सच में बोलूं तो हम लोग क्योंकि साड़ी के बिजनेस स्टार्ट किया है, हम लोगों को पता नहीं था वो हम लोगों को गिफ्ट भेज रहा है, तो इसलिए लेकिन क्या बोले अच्छा तो लगता है जब फ्रेंड लोग ऐसे प्यार करते हैं, सच में अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग साड़ी ऑनलाइन पे बाई करो तो हम खुश होंगे सच ऐसे में, सपोर्ट करो लेकिन गिफ्ट नहीं भेजना ठीक है। गिफ्ट से ज़्यादा आप लोग हमारे से न्यू कलेक्शन आ रहा है, तो न्यू कलेक्शन का साड़ी लो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो मेरा बर्थडे के लिए भी वो गिफ्ट भेजा है तो नाम मैं लूँगा। तो जो फ्रेंड्स ने हमारे लिए गिफ्ट भेजा है उनमें से एक फ्रेंड्स बांग्लादेश से है और वो अभी मलेशिया पे रहते हैं, तो वो फ्रेंड्स मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट भेजा है और गुटू के लिए भी एक साड़ी भेजा है, दिखाएंगे वो बाद में दिखाएंगे लोगों। और एक फ्रेंड्स गिफ्ट भेजा है वो पूर्व मेदिनीपुर से है, उसका नाम है सुजाता। तो थैंक यू सो मच हमारे लिए गिफ्ट भेजने के लिए। तो चलो पहले आप सभी को पहले गिफ्ट दिखा देते हैं।
तो ये है एक मालवेरी साड़ी और ये भी एक मालवेरी साड़ी है। दो साड़ी मुझे दो फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। कलर तो एकदम वाव, जस्ट वाव, और मुझे बहुत ही पसंद आया सच में। लेकिन अभी मैं ये पहन के नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी है। तो इतना गर्मी के लिए मैंने बोला चलो ऐसे नॉर्मली दिखा दो ये साड़ी, क्योंकि अभी ये पहन के वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि कोलकाता में अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। पहले थोड़ा कम हो गया था लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोई व्लॉग में जरूर पहनूंगी, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग तो वैसे ही हमारा वीडियो हर रोज देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी बाबन का गिफ्ट दिखाएंगे। तो बाबन चलो खोल के नहीं दिखाएंगे बाबन का गिफ्ट, क्योंकि बाबन का बर्थडे आ रहा है, उधर बाबन पहनेगा तो तभी आप लोग को दिखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली दिखा देते हैं सभी को। तो ये देखो कैसे दिखाए, एक हाथ में फोन है, तुम दिखा दो थोड़ा बहुत। तो ये है बाबन का गिफ्ट, यहाँ पे बाबन का टी शर्ट है, शर्ट है और जीन्स है। एक टी शर्ट और जीन्स एक फ्रेंड्स ने भेजा है और एक शर्ट और एक दूसरे फ्रेंड्स ने भेजा है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट के लिए। आप लोग ऐसे प्यार करते हो यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है, सच में बोल रही हूँ। और ये हम लोग ज़रूर पहनेंगे, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं मेरा बर्थडे के दिन ज़रूर पहनूंगा। थैंक यू सो मच इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट भेजने के लिए। लेकिन आप ऐसे नॉर्मली प्यार करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो। वो भी हम लोगों को वीडियो देखते हो सभी को थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इसीलिए दिल से थैंक यू सो मच। और एक बात जो जो अभी तक नहीं जानते, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एक पेज है फेसबुक में लविंग फैशन करके, डिस्क्रिप्शन में तो दे देंगे और यहाँ पे भी शो कर रहा है देखो नाम, तो ज़रूर जाके फॉलो कर लो और चेक करना न्यू कलेक्शन आ रहा है। चेक करने बहुत दिन से बोल रहे हैं कि न्यू कलेक्शन आ रहा है, पिक्चर हम लोग डाल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा ऑफलाइन में जो आते हैं वो ज़्यादा सेल हो जा रहा है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन में ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, हम लोग नया नया और भी कलेक्शन लेके आएंगे और ऑनलाइन पे भी पोस्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाओ पेज को फॉलो करो और ऐसे ही साथ रहो, ऐसे ही सपोर्ट करो, ऐसे ही प्यार दो। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर जाने का प्लान है, इसीलिए अभी दोनों ही तैयार होकर एकदम बाहर निकल जाएंगे, तो और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आज का ब्लॉग। तो इसीलिए सोचा कि अभी गिफ्ट दिखा देते हैं आप सभी को। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना और प्राइड वाला स्पेशल ब्लॉग और मेरा बर्थडे ब्लॉग तो आ ही रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे और आज रात 9:30 बजे लाइव पे मिलते हैं। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।